बिजनौर में आए दिन शराब के ठेके वालों की कोई ना कोई खबर सामने आती रहती है, जिसमें खरीदार उन पर कीमत से ज्यादा पैसे लेने का आरोप लगाते हैं। ऐसा ही एक मामला आज प्रकाश में आया है। बता दें कि बिजनौर के मोहल्ला कसाबान का रहने वाला सरताज नाम के लड़के का आरोप है कि वो रात्रि लगभग 10 बजे बिजनौर सिविल लाइन टोनाल के बाहर अंग्रेजी शराब के ठेके से शराब खरीदने गया, जहां पर सरताज को शराब के ठेके वाले शराब की कीमत से ज्यादा दाम में शराब दे रहे थे। जब सरताज ने विरोध किया तो शराब के ठेके वाले उसके साथ गाली गलौज करने लगे और उसे पकड़ने का प्रयास करने लगे। सरताज जैसे तैसे करके वहां से फरार हो गया, जिसके बाद उन लोगों ने उसे रोडवेज बस अड्डे पर पकड़ा और उसके साथ खूब मारपीट की और उसका मोबाइल भी फोड़ दिया, फिर मौके से फरार हो गए। सरताज ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने सरताज को दिया कार्यवाही करने का आश्वासन। दर्शकों, आप लोगों की इस मामले में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम सरताज अहमद। सरताज अहमद, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही बिजनौर मोहल्ला कस्बान। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? रात को सर, मैं रात्रि 10 बजे ठेके पे गया था, टाउन हॉल के बाहर जो रोडवेज पे ठेका है, सिविल लाइन में सर जी, ओवर रेट ले रहे थे और भी कस्टमरों से वो लोग बहस कर रहे थे जी। मैंने ऑब्जेक्शन उठाया जी, मैं आपकी कंप्लेन करूंगा जी, थाने में जाऊंगा। तो वो लोग कुछ नहीं बोले, झगड़ा करने लगे मेरे से जी, और मैं वहां से निकल गया, बोलता हुआ कि मैं जाऊंगा थाने जाऊंगा। तो वो उतने पे भी नहीं डरे और रोडवेज चौराहे पे आके मेरे साथ में झगड़ा करे, 3 गाड़ी लेके आए वो लोग, मेरे को मारा पीटा जी, मेरा मोबाइल भी फोड़ दिया जी और वीडियो डिलीट मार दी इसमें से। अच्छा, और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। अच्छा, कहां पे मारा आपको? ये रोडवेज पे। रोडवेज, वहां पे तो कैमरे भी लगे होंगे जी, वहां पे कैमरे हैं, जहां वाइन शॉप है। अच्छा, इस चीज की शिकायत आपने पुलिस को की? मैंने सर जी आज ही कंप्लेन प्रार्थना पत्र दे के आया हूं मैं। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने बोला कि कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कार्रवाई करेंगे जी, ठीक है।